ये जो रास्ता है इससे मतलब हम लोग जो कैंप है अनन्या रिसोर्ट उसके पास में ही है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ग्रीन वैली, यहाँ से आपको रास्ता दिखेगा और ये पूरा नेचर के बीच में, आप देख सकते हो पूरा नेचर के बीच में है। और ये जो रास्ता है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, आराम से आना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ग्रीन वैली में यहाँ एक आप वो देख सकते हो कैंप देख सकते हो, और हम लोग ट्रैक करेंगे यहाँ से, ये ट्रैक करेंगे, यहाँ पे कैंप है और यहाँ पे ब्यूटीफुल नेचर है। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे आओ, मस्त विजिट है। आप नैनीताल आओगे तो ये सब मिस कर दोगे, जो ये ब्यूटी है ये सब मिस कर दोगे, और इतने स्मार्ट से लड़के को भी मिस कर दोगे। के बाद एक सीढ़ी है, मतलब आई थिंक ये मतलब बांस, ये लकड़ी का है, और हाँ लकड़ी का है, कोई सा पक्का सीढ़ी नहीं है, बट हाँ बहुत हेल्पफुल है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे ये नेचर यार, मतलब इतना सुंदर नेचर, मतलब बोलते हैं ना काफ़ी सुंदर काफ़ी प्यारा नेचर। तक हम लोग इस रास्ते को जा कर रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं हम दोनों, कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर। मे बी नॉट। और मुझे तो सच बता रहा हूँ ट्रैकिंग का एक आनंद आ रहा है। मैंने आज अपना नैनीताल का जो था वो नहीं गया घूमने, मैं पंगुट में ही रह गया और बागुर में ही रह गया, और वाटरफॉल का इंजॉय ले रहा हूँ। देखते कल का क्या, कल क्या करें, क्योंकि यार यूट्यूब पे है ना काफ़ी ज़्यादा नैनीताल का वो पड़ा हुआ है, ब्लॉग पड़ा हुआ, बट ये है ना बागुर का जो वाटरफॉल है वो हिडन है, तो कुछ डिफरेंट करना चाहिए, एक्टिविटी देख रहे करने के लिए है, बट फिलहाल तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है करने में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और हम लोग वहाँ से चल के आते हुए इधर पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं वाटरफॉल मिलता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का है। हम लोग कहाँ ऊपर थे और शायद जहाँ से कार दिखाई दे रही है, हाँ, और हम शायद वाटरफॉल यहीं पे होगा, आसपास होना चाहिए। लेट्स एक्सप्लोर द वाटरफॉल। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग को वाटरफॉल नहीं मिला, 10 मिनट हो गए, देख सकते हैं आप कि यहाँ कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कहाँ पे है वाटरफॉल छुपा हुआ, चलो कुछ लोग और मिल गए हैं। आप लोग जा रहे वाटरफॉल? अच्छा अच्छा भैया आगे जा रहे हैं जंग लड़ते हुए। भैया चलो, भैया चलो कोई बात नहीं, फेंस को लांगते हुए पैंट ना फाड़ ले बस कर अपना। ये घास कितना लंबा लंबा घास है, इस घास में लंबा हो यहाँ तो यहाँ खुल के रोमांस कर सकते हैं, कुछ नहीं। भैया कुछ बोलिए, यहाँ से भैया बोल रहे थे यहाँ से खुल के, हाँ, यहाँ से खुल के एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये कुछ गलत सुन रहे हैं। क्या बोल रहे थे यहाँ पे खुल के रोमांस कर सकते हैं? बोला था मैंने, अच्छा एक्सप्लोर किया, बोले नहीं रोमांस कर सकते क्योंकि झाड़ी बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लोर कीजिए रोमांस कीजिए आपके ऊपर है। कोई अपने 3 दिन खराब और हजारों रुपए खराब करके कोई यहाँ रोमांस करने झाड़ियों में नहीं आए, कौन जानता है। बड़ा हाँ हम लोग सर्च करने वाले हैं हिडन वाटरफॉल पंगोट का, हाँ करके रहेंगे आज। आवाज़ आने लगी है, फाइनली एक्सप्लोर कर चुके हैं, मतलब पूरे घास है चारों तरफ, और लोग नैनी डाला था नैनी लेक देखने के लिए, हम लोग सोचे चलो छोड़ते हैं यार इसको, कुछ अलग करते हैं। अमरट भैया राइट, और आई डोंट नो, आवाज़ें आ रही है, अगर आप समझो बस पहुँचने वाले हैं। ये रास्ता देखे जाने का है, यहाँ से आवाज़ें भी आ रही है, और भैया निरीक्षण कर रहे हैं, हम लोग उस तरफ से आए हैं, नहीं पता कैसे कैसे एक्सप्लोर करते हुए आए हम लोग, रास्ता खोजते हुए आवाज़ आ रही है। फाइनली भैया ने रास्ता खोज लिया, भैया बोल देखो यहाँ से देखोगे, मैं दिखाता हूँ, हाँ देखिए रास्ता देख रहे हैं, ये ऐसे 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 पहुँचेगा, कहीं तो पहुँचेगा। नई तरह अभी मौसम को मैं बात करूँ तो ठंड भी लगता है गर्मी भी लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूं, करे तो करे क्या, लगड़ते झगड़ते आ रहे हैं रास्ता खोजते हुए। ये जो रास्ता अब मिल चुका हम लोग को, बहुत आसान सा रास्ता मिल चुका है, देखिए कुछ इस तरह का घुमा रास्ता है, और आवाज़ आ रही है अब, और मिल गया देखिए वो है
अब नीचे जाने का रास्ता ये है, तो जाते हैं अब वहाँ पे। तो हम लोग इनको मनाते मनाते कहाँ गए, दिख नहीं रहे इधर, अरे इधर देखो सही से दिख नहीं रहे, इनको मनाते मनाते मतलब यहाँ तक ला चुके हैं। बट मुझे वाटरफॉल तक जाना है, इन्हें ले जाऊँगा, इन्हें एक अलग सा एक्सपीरियंस होगी। मैं तो जा चुका हूँ वाटरफॉल बीर का भी, तो थोड़ा रास्ता इधर ऐसे ऐसे है, बट कोई नहीं, विल डू इट। तो यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी वाटरफॉल का, और काफ़ी घने जंगल में है वाटरफॉल। और भैया यहाँ पे पसीना को पोंछते हुए, ये वो जंगल है, डेंस बोले जंगल, वैसे जंगल के अंदर ये है वाटरफॉल। सोचे ऊपर जाएंगे कैसे, पहले वाटरफॉल पहुँच जाते ऊपर, कभी जर्नी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो मोटे मोटे इंसान जा सकते हैं, वो नहीं गए थे नीचे तक, गए थे 5 किलोमीटर यहाँ तक पूरा हो चुका है, और नहीं अब नहीं हुआ है, तो जाके देखते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, आवाज़ें आ रही होगी, और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाटरफॉल। मतलब वैसे तो ऊपर भी जाना है, बट मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं बी में से शुरू कर चुका हूँ, कि मेरे को गाइड नहीं, मैं खुद अभी आया हूँ। फॉल यहाँ का ये पूरा हिडन वाटरफॉल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं जो आ रहा है, बट मैं वहाँ से, ये मेरे को गाइड नहीं है, इससे मैं जाऊँगा नहीं। इनको समझाते समझाते लाना पड़ा, आ नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा है बीच में हिम्मत छोड़ दिए थे उन्होंने। ये देखिए बीच में उन्होंने हिम्मत छोड़ दिया था, बट मैंने लो लाया, चलो चलो। अब तो पिछले कितना सुंदर लग रहा है, भैया देखो व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, पीछे वाटरफॉल आ रहा है, हम लोग से फ्रेम में है। और फाइनली उनको मैं ले आया, थोड़ा सा स्लिप किए थे, बट हाँ वो नहीं बोलते ना, ये बांगूर के बांगूर बांगूर बगूर हाँ बगूर क्या था बगूर 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 के अंदर नहीं बंगूर के आगे बगूर बगूर में ये वाटरफॉल है, आके स्लो कर सकते हैं। रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ स्लो के मज़ा आएगा। अब हम लोग आराम करते अपने दिस इज अ वाटरफॉल एंड दैट इज मोर लार्जर, बोलते ना ये तो छोटा है वाटरफॉल, वो इससे ही बड़ा है, बट काफ़ी रिक्स आगे जाना, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा डेंस जंगल के अंदर है ये सब कुछ, यहाँ पे पूरा वाटरफॉल का एक ओवरऑल जो व्यू है ना वो मैं को दे रहा हूँ। बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंचने वाले वाटरफॉल, जी हाँ, जो मैंने सोचा था नहीं हो पाएगा, बट मैं कर रहा हूँ, और साथ निभा रहे अच्छे भैया, और पीछे देखते काफी तक ग्रुप जा चुके हैं, अगर नोटिस कर सकते हैं यात्रीगण, और काफी मजा आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा मजा आ रहा है, जो वाटरफॉल बहुत साफ साफ दिख रहा है मेरे जस्ट पीछे, वाटरफॉल देख सकते हैं यहाँ पे, जो झंडा है काफ़ी करीब है मेरे से, और पहले जो था व्यू बहुत पीछे से मैं दिखा रहा था आपको, ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हम पहुँच चुके हैं, लोग वहाँ पे भी अब देख सकते हैं, और मेरे पीछे जो व्यू है वो अल्टीमेट व्यू है, वो अल्टीमेट, थोड़ा सा ऊपर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाटरफॉल, ये हिडन वाटरफॉल है, और ये नैनीताल में मिलेगा आपको, पर नैनीताल से आपको 17 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, 17 किलोमीटर 17 मैंने बोला 17 किलोमीटर आपको आगे आना पड़ेगा नैनीताल में आए बाकी, और ये है बाकी लोग यहाँ पे देख सकते, काफी लोग यहाँ पे है, यहाँ पे सो मेनी पीपल, मतलब मजा आया। तो बहुत कुछ बाकी है शुरू करना, यहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से। तो भैया जो आ नहीं रहे थे आप, कैसा लगा आपको? अब अच्छा लगा, पहले अच्छा नहीं, अच्छे से इतना डर रहे थे, फिर दोस्त मी बिना गाइड का मैं लाया उनको, इधर आओ यार, 100 रुपये बचे तुम्हें, 100 रुपये भाई।
फाइनली हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स मिले यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ पीछे में बैठे हुए हैं। और ये जो वाटरफॉल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स मिले हैं, मतलब बोलते हैं ना काफी ज्यादा प्यारा एक्सपीरियंस था और बहुत मजा आया इन लोगों के साथ। वैसे तो हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब आए थे तो था नहीं, बट लिटरली बता रहा हूँ बहुत मजा आया। और ये नैनीताल में पंगोट में, पंगोट के आगे बगुट वहाँ वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल, ये गाइड भी है, गाइड नहीं है सॉरी गाइड भी नहीं है। और कुछ यहाँ कुछ फ्रेंड्स है आप देख सकते हैं, आप ऊपर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी है इधर उधर उधर भाई जी हमारे विदाउट ड्रेस भाई हमारे, ये सेंसर हो जाएगा। तो उधर 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 भी यहाँ पे मैं अपना पार्ट वन कंप्लीट करता हूँ वीडियो का, और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।